बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार सा यमी सा वेजिटेबल सैंडविच, जो कि आप अपने बच्चों को आसानी से लंच में दे सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। जिसके लिए मैंने 50 ग्राम कैबेज लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 50 ग्राम मैंने कैरेट लिए हैं, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। 50 ग्राम मैंने कैप्सिकम लिए हैं, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 50 ग्राम मैंने स्प्रिंग अनियन लिए, इसको चॉप कर लिया है। 50 ग्राम मैंने कोकम्बर लिया, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 5 टेबल स्पून मायनीज है, 2 टेबल स्पून बटर है, 1/2 टी स्पून नमक है, ये आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और 1 टी स्पून काली मिर्च है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सैंडविच बनाने के लिए हमने 6 ब्रेड ले लिए, इनके चाहे किनारे आप निकालना चाहें तो निकाल दें, वरना आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं निकाले। एक बाउल लिया हमने, इसमें कैबेज डाल दिया, खीरा डाल देंगे, शिमला मिर्चें चली गई इसमें, गाजर को भी इसी तरह मिक्स कर देंगे, स्प्रिंग अनियन चली गई, इसका अपना ही टेस्ट होता है, मज़े का टेस्ट होता है, काली मिर्चें डाल देंगे इसमें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मायनीज़ हम डाल देंगे इसमें, और इसको स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया हमारा, ये देखिए व्यूअर्स हमारा ये वेजिटेबल और मायनीज अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब सैंडविच बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने ब्रेड ले लिया, अब एक एक करके हमने इसमें बटर लगा लेना है। अगर आपके पास बटर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह मायनीज भी लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरे ब्रेड पर लगा लेना है। बटर हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया, बहुत मज़ा आता है, इससे टेस्ट का मज़ा आता है। ये देखिए मेरे तमाम ब्रेड पर बटर लग चुके हैं। अब इसी तरह हमने वेजिटेबल का बैटर जो बनाया था, हमने अब इसमें स्प्रेड कर देते हैं, अच्छी तरीके से लगाना है ताकि इसका सैंडविच में मज़ा आए, कोई भी कोना छोड़ना नहीं है। ये देखें अच्छी तरीके से लगाना है। ये देखिए हमारा दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे इसको, और उसी के ऊपर फिर हम दोबारा लगाएंगे, अच्छे तरीके से लगा देना इसमें। बहुत मज़ेदार सा यमी सा हमारा सैंडविच रेडी हो रहा है, ज़रूर बनाइएगा। देखिए हमने तीसरा पीस भी इसके ऊपर रख दिया, ये हमारा एक सैंडविच रेडी हो चुका है। दूसरा सैंडविच भी इसी तरह रेडी करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों सैंडविच रेडी हो चुके हैं, अब इसको बीच में से कट कर लेते हैं। बड़ा मज़ेदार सा हमारा वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो चुका है, ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितना मज़ेदार सा, वाओ बहुत मज़ेदार सा लग रहा है। ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसा बना है। व्यूअर्स देखिए हमारा बड़े मज़ेदार सा वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो चुका है। अक्सर मेरी माँ मुझे लंच में बना के देती हैं, तो मैं स्कूल लेके जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें ना अच्छा लग रहा है, अब मैं खा के बताऊँगी कि लग कैसा है। वाओ कितना यम्मी और डिलीशियस और खतरनाक किस्म का बना, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई लव यू।